हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं एक पोएम। आफ्टर ब्रेनेम, बहुत मतलब अच्छे पोएम है या फिर कोई स्टोरी है। स्टोरी क्यों बोल रहे हो सर? ये तो पोएम है ना। स्टोरी इसलिए उसको जो पढ़ने का तरीका है वो स्टोरी ही है। रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी? हो रही है। इसको जो पढ़ने का तरीका है ना वो स्टोरी ही है, ठीक है। इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ भी नहीं सकते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो समझ में भी नहीं है। इसके जब पैराग्राफ हमें इस स्टोरी की तरफ पढ़ना पड़ेगा। क्या है बेसिकली सर ये स्टोरी तो बताओ फिर। अगर स्टोरी है तो स्टोरी का मैं थोड़ा सा नाम, थोड़ी स्टोरी के नामकरण पे आते हैं। इसके नाम के पीछे रीजन क्या है? स्टोरी का नाम थोड़ा अजीब है, आफ्टर ब्लैंडिंग। आफ्टर ब्लैंडिंग ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, एक मतलब स्टोरी के पीछे की एक बैकग्राउंड स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक जगह थी ब्लेनम, एक जगह थी ब्लेनम, ठीक है। अब ब्लेनम किस रीजन में पड़ता है तो मुझे आइडिया नहीं, ठीक है। उस जगह पर ना फ्रांस के लोगों ने आके आग लगा दी। बहुत सुंदर जगह थी ब्लेनम। पर इस पोएम का जो पोइट है, बेसिकली जो मेन कैरेक्टर है ना, पोइट तो नहीं, जो मेन कैरेक्टर है, उनके फादर वहाँ पर रहा करते थे, ठीक है। तो कहा जाता है कि फ्रांस के फ्रांस जो फ्रांसीसी लोग जो होते थे, फ्रेंच जो लोग होते थे, उन फ्रेंच लोगों ने उस ब्लेनिंग जगह पर आकर आग लगा दी, ठीक है। काफी लोगों को नुकसान हुआ, काफी लोगों को घर छोड़ना पड़ा, ठीक। काफी लोगों को गुस्सा भी आया, तो कुछ इंग्लैंड के लोगों ने, है ना, इसको ऑस्ट्रिया के लोगों ने, ठीक है, और कुछ एक दो जगह के लोगों ने मिलकर फ्रांसीसियों को भगाया, यानी फ्रेंच लोगों को भगाया इस लड़ाई की। अब फ्रांस भी कोई छोटी बड़ी जगह तो थी नहीं उस टाइम पर, बहुत पावरफुल कंट्री थी फ्रांस भी, ठीक है। तो उस टाइम पर एक बैटल हुआ था, उस टाइम पर उनके बीच में क्या होता है, बैटल हुआ था। और बैटल इतना सीवियर था, इतना सीवियर था कि उसमें इतने सारे लोगों की डेथ हुई, इतने सारे लोगों की डेथ हुई, इतना मतलब डिस्ट्रक्शन उसके अंदर हुआ। उसके बाद जाकर वो लोग जीते और फ्रांसिसों को भगा पाए, यानी फ्रांसिस को हरा पाया, यानी उन्होंने विक्ट्री कर ली फ्रांस के लोगों पर, फ्रेंच लोगों पर। लेकिन उस जीत के पीछे उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए, काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस किए। तो इस चैप्टर का नाम है आफ्टर ब्लेनिम। आफ्टर ब्लेनिम मतलब कि आफ्टर द बैटल एट ब्लेनिम, यानी ब्लेनिम में जो बैटल हुआ उसके बाद, ब्लेनिम में जो बैटल उसके बाद उसकी स्टोरी बताई जा रही है, ठीक है। इस पोएम में तीन कैरेक्टर हैं, है ना। मैं नाम दिखा देता हूँ आपको उनके, रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, ठीक है। कैस्पर, ओल्ड कैस्पर, ओल्ड कैस्पर मतलब दादाजी होते हैं ये, इनके तो ग्रैंड चाइल्ड होते हैं। एक नाम होता है विलमिन, है ना, विलमिन इनकी ग्रैंड डॉटर होती है, और इनका ग्रैंडसन होता है पीटर कैन, ठीक है। तब पैराग्राफ पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, लेकिन इसको पढ़ा इधर स्टोरी ही जाएगा, इसको पढ़ा इधर स्टोरी ही जाएगा, ठीक है। इट वॉज अ समर इवनिंग, ओल्ड कैस्पर्स वर्क वॉज डन एंड ही बिफोर हिज सिटिंग बिफोर हिज कॉटेज डोर वॉज सिटिंग इन द सन एंड बाय हिम इज पुट ऑन द ग्रीन ग्रीन हिज लिटिल ग्रैंड चाइल्ड विलमैन, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है, सी सॉ हर ब्रदर पीटरकिन रोल समथिंग लार्ज एंड राउंड विच ही बिसाइड द पेविलेट इन प्लेइंग देयर ही हैड फाउंड देयर हैड फाउंड ही केम टू आस्क व्हाट ही हैड फाउंड दैट वाज सो लार्ज एंड स्मूथ एंड राउंड ओल्ड कैस्पर टुक इट फ्रॉम द बॉय हु स्टूड एक्सपेक्टेंट बाय एंड देन द ओल्ड मैन शुक हिज हेड एंड विद अ नेचुरल साइ इट इज इसको इट इज पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज सम पुअर फेलो स्कल सेड ही हु फेल इन द ग्रेट विक्ट्री, ग्रेट विक्ट्री पहली बार या नहीं बार, हाँ ग्रेट विक्ट्री मतलब वही जब ये इन लोगों के बीच में बैटल हुआ था इंग्लैंड के ऑस्ट्रिया के, हाँ फ्रेंच के साथ, तो वो जब बैटल हुई थी उस बैटल में जब ये जीते थे तो उसको बोला ग्रेट विक्ट्री, ठीक है। ग्रेट विक्ट्री क्यों बोला जाए, काफी लोगों ने सेक्रीफाइस किए थे, काफी सेक्रीफाइस करने के बाद हमें जीत मिली थी, इसको ग्रेट बोला गया, ग्रेट। आई फाइंड देम इन द गार्डन फॉर देर आर
नहीं, हेयर अवार्ड फोर का मतलब है क्योंकि से है, कंपाउंड कंजंक्शंस पड़े हैं। एंड ऑफन व्हेन आई गो टू प्ले प्लो द प्लो सेयर टर्न्स देम आउट फॉर मेनी थाउजेंड मैन सेड ही वर स्लेन इन दया इन दैट ग्रेट डेथ। नाउ टेल अस व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। इसको पढ़ेंगे इट वाज, है ना। यंग पीटर कैन ही क्राइज एंड लिटिल विल माइंड लुक्स अप विथ वंडर बीटिंग आईज। नाउ टेल अस ऑल अबाउट द वॉर एंड व्हाट दे फॉर ईच अदर फॉर। इट वॉज द इंग्लिश, इंग्लिश में इंग्लिश लॉक दा का मतलब मैं आपको तो पता है दा लग जाता है, जैसे लैंग्वेज से बोलते उसको पढ़ा हो जाता है, तो वहाँ के रहने वाले लोग हैं ना, इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं ना, अंग्रेज है ना। पुट द फ्रेंच टू रूट बट व्हाट दे फॉर ईच अदर फॉर आई कुड नॉट वेल मेक आउट बट एवरीबॉडी सेड कोथ ही दैट वॉज दैट इट वॉज अ फेमस मिस्ट्री। माई फादर लिव्ड एट ब्लेनहेम देन यू लिटिल स्ट्रैम हर्ड बाय दे बर्नड हिज ड्वेलिंग टू द ग्राउंड एंड ही वॉज फोर्स टू फ्लाई सो विद हिज वाइफ एंड चाइल्ड ही फ्लेड नॉट हैड ही वेयर टू रेस्ट हिज हेड विद फायर एंड स्वॉर्ड द कंट्री राउंड वॉज वेस्टेड फार एंड वाइड एंड मैनी अ चाइल्ड चाइल्ड चाइल्डिंग मदर यानी प्रेगनेंट लेडीज की बात कर रहे हैं एंड न्यू बॉर्न बेबी डाइड बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी एट एवरी फेमस ऐसे। दिस से इट वॉज अ शॉकिंग साइट आफ्टर द फील्ड वॉज बॉर्न फॉर मैनी थाउजेंड बॉडीज हेयर ले रूटिंग इन दिस सन बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी आफ्टर द फेमस ऐसे। विद प्रेज द ड्यूक ऑफ मार्लबोरो बॉर्न एंड आई गुड प्रिंस यूजेन वह इट वॉज अ वेरी बिग थिंग सैड लिटिल विलमाइन विलमिन नहीं 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 माई लिटिल गर्ल खो थी इट वॉज अ फेमस विक्ट्री एंड एवरीबडी प्रेज द ड्यूक हु दिस ग्रेट फाइट डिड विन बट वॉट गुड केम ऑफ इट एट लास्ट कोथ लिटिल पीटकन बॉय वाई दैट आई कैन नॉट टेल सेड ही बट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। बहुत अच्छी मतलब अच्छा मतलब लिखा है, मतलब पोएम को विस्तार से लिखा है कि मतलब कोई उसको कैसे पढ़े, पढ़ने का तरीका उन्होंने चेंज कर दिया है। कह रहा है एक शाम की बात है, अब वो शाम से समर के यानी गर्मियों में शाम की बातें हैं। ओल्ड कैसर बूढ़ा कैसपर अपना काम कर रहा था, उसका काम हो भी चुका था और वो अपने कॉटेज के बाहर धूप में बैठा हुआ था और वह अपने कॉटेज के बाहर धूप में बैठा हुआ था और ग्रास में ग्रीन मतलब ग्रास में अपने ग्रैंड डॉटर्स ग्रैंड चिल्ड्रंस को खेलता हुआ देख रहा था। ठीक है, जिसमें से उनकी बेटी का उनके ग्रैंड डॉटर का नाम था विलमिन और ग्रैंड सन का नाम था पीटर किन। खेलते खेलते पीटर किन को खेलते खेलते पीटर किन को कुछ राउंड सा कुछ लार्ज एंड राउंड मिला है ना। अब वो उसको लाकर अपने दादाजी से पूछता है कि ये इतना बड़ा है क्या, ये इतना बड़ा है क्या, लार्ज स्मूथ एंड राउंड ये है क्या। ओल्ड कैस्पर यानी दादा जो दादाजी जो होते हैं वो उसको उस लड़के से ले लेते हैं। ठीक है, जो कि वहां पे खड़ा रहता है और फिर ओल्ड वन जो है सिल्लाते हुए कहता है ओ ये तो किसी बेचारे का स्कल है यानी खोपड़ा है, किसी बेचारे फैलो का स्कल है जो कि ग्रेट विक्ट्री में मारा गया, जो कि ग्रेट विक्ट्री में मारा गया यानी वो कहता है ये तो किसी बेचारे सोल्जर का स्कल है जो उस ग्रेट विक्ट्री में मारा गया, जो उस ग्रेट विक्ट्री में मारा गया। फिर कहता है आई फाइंड देम इन गार्डन फोर देयर आर मेनी हियर अबाउट एंड ऑफन व्हेन आई गो टू प्लो द प्लग से टर्न्स देम आउट। वो कह रहा है मुझे तो गार्डन बहुत सारे मिलते हैं, मुझे तो गार्डन बहुत सारे मिलते हैं भी मैं कोई भी खुदाई जब भी मैं खुदाई करता हूँ जब भी मैं खुदाई करता हूँ मुझे ऐसे गार्डन बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जहाँ पर है वहाँ पर उन लोगों की काफी डेड बॉडीज वहाँ पे ग्रेव्ड है, वहाँ पर क्या है एंड ग्रेव्ड है ऑलरेडी। और वो कह रहा है ये सब तो हो नहीं था आफ्टर ऑल इस ग्रेट विक्ट्री में, ये सब तो होने था यानी बहुत सारे लोगों को तो मतलब डेथ होनी ही थी, ये तो होने था। फिर छोटा बच्चा मतलब पूछता है नाउ टेल अस, फिर छोटा बच्चा पूछता है कि
ऐसा क्यों, ये सब क्यों हुआ? और जो उसकी विलमिन थी, उसकी सिस्टर यानी छोटी बच्ची, वो भी एक्साइटमेंट के साथ खड़ी हुई देखती है कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, है ना। हमें बताओ वॉर के बारे में, दोनों बोलते हैं कि वो किस लड़े हुआ एंड व्हाट दे फॉट ईच अदर फॉर, वो आपस में किस लड़े, वो आपस में किस लड़ रहे थे। ओल्ड कैस्पर कहता है, ओल्ड कैस्पर कहता है मुझे नहीं पता, ओल्ड कैस्पर कहता है मुझे नहीं पता। कैसा कहता है, ये अंग्रेजों के और फ्रेंच के लोगों के बीच में हुआ था, अंग्रेजों ने फ्रेंच के लोगों को भगा भी दिया यानी हरा भी दिया, बट ऐसा क्यों हुआ आई कुड नॉट वेल मेक आउट, मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता। बस लिबर्ट एडवर्ड सीज, हर कोई कहता है कि ये बहुत फेमस व्यक्ति थे। फिर वो अपने बचपन का एक इंसिडेंट सुनाते हैं, एक टाइम की बात बताते हैं, उनके फादर हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे फादर उस टाइम पर यानी जब वॉर चल ही रहा था या जब वॉर स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर मेरे फादर, किसके फादर, कैस्पर के फादर, उन बच्चों के फादर नहीं, कैस्पर के हैं, ठीक है, ग्रैंड फादर के फादर, ब्रेन में रहा करते थे, ठीक है, वहाँ बहुत मेहनत करते थे। वहीं ये फ्रेंच फ्रेंच लोग आ गए, ये फ्रेंच लोग आ गए और वहाँ पर उन्होंने आग लगा दी, वहाँ पर उन्होंने क्या लगा दी, आग लगा दी, और वहाँ लोगों को मजबूर किया कि वहां से भाग जाएं, है ना। उनके फादर अपनी वाइफ के साथ और बच्चे के साथ वहां से भाग गए, उनके पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए, उनके पास कोई जगह नहीं थी रहने के, है ना। फिर क्या कह रहा है, फिर पूरी जगह आग से तबाह हो चुकी थी, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज उनकी भी डेथ हो गई थी, न्यूबॉर्न बेबीज उनकी भी डेथ हो गई थी उनके बीच में। फिर कह रहा है बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी एट एवरी फेमस व्यक्ति, तो कह रहा है अब इतनी फेमस व्यक्ति में तो सब होना ही था, अब इतनी फेमस व्यक्ति में सब तो होना ही था। फिर कहता है कि वो बहुत मतलब शॉकिंग साइट था देखने, मतलब अब देख के शॉक हो जाओगे एकदम, कि पूरा जो फील्ड था जिसको हम जीत चुके हैं, उस पर थाउजेंड्स डेड बॉडीज डली हुई हैं और जो धूप में सड़ रही हैं, ठीक है, बट फेमस विक्ट्री में या फेमस विक्ट्री के लिए ये सब तो होना ही था। ग्रेट प्रेज द ड्यूक ऑफ मार्लबोर्न, सॉरी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ओके। फिर वो बात बताते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि ऐसा तो जीत जो हुई है, जो हमने फ्रेंच को हराया है, फ्रेंच लोगों को हराया है, तो उसका क्रेडिट केवल दो लोगों को जाता है, एक मार्लबो के किंग को और एक प्रिंस यूजेन को, ठीक है। तो छोटी अच्छी पूछती है, इन लोगों की वजह से इतना सब कुछ हुआ, इन लोगों की वजह से इतने सारे लोग लड़े आपस में, ठीक है, तो इनको इनको फेमस क्यों कहा जाता है, इनको फेमस क्यों कहा। तो वो कहता है नहीं 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 बच्चे ऐसा नहीं है, और उसके पास आंसर भी नहीं होता है, ठीक है। फिर वो कहता है अब ये तो फेमस व्यक्ति थी, इट वॉज अ फेमस व्यक्ति, हर कोई ड्यू की तारीफ करता है क्योंकि उसने अच्छी फाइट लड़ी, ठीक है। फिर पीटर किन बोलते हैं ठीक है अच्छी फाइट लड़ी, इसमें मिला क्या, अल्टीमेटली में मिला क्या, ये लड़का हमें मिला क्या, लड़का हमें मिला क्या। फिर ओल्ड के वो केसर कहता है, क्या नाम था उनका, मैं तो नाम भूल गया, केसर ही था ओल्ड पर, है ना, केस पर, है ना, केसर बोल रहा हूँ, ओल्ड केस पर। ओल्ड कैसर को पता नहीं होता है, ओल्ड कैसर को नहीं पता होता है, वो कहता है अब ऐसा क्या मिला, ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो मैं नहीं बता सकता, बट इट वॉज अ फेमस व्यक्ति, बट इट वॉज अ फेमस व्यक्ति। पूरी स्टोरी बहुत अच्छी है, ये तो हो गई हमारी, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको एक वीडियो भेज दिया, आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है।